के बाद गाड़ी का लुक देख सकते हो। अभी ना गाड़ी का जो लुक है ना यहाँ से डैशबोर्ड का वो अलग। मिकी को देख सकते हो पूरा गाड़ी में आ चुका है मिकी। तो अभी न्यू वाला जो व्हाइट कलर का है वो अभी लगा दूंगा, और अभी इधर रेट में लगाऊंगा एक पेपर, समझ गया ना। लेकिन ये पूरा रेट कि सबके चैनल में थोड़ा बहुत व्यूज का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जितना भी आ रहा है मेरे लिए सफिशिएंट है। आप लोग देखो, अगर जिसको भी अच्छा लगता है वीडियो देखो, और आज भी एक नवाई वाला ब्लॉग डालने वाला हूं। और जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं राइड में जल्दी से जल्दी निकलने वाला हूं, अभी राइडिंग जैकेट वगैरह भी खरीदना है, और मेरा ये पहले वाला जो राइडिंग जैकेट है ना ये वाला है, तो ये वाला भी अभी क्लीन करना है। जो मैं प्रीवियस राइड गया था ना उस टाइम से ये जैकेट मतलब धोया ही नहीं अभी तक, देखो पूरा गंदा हुआ पड़ा है। तो ये वाला जैकेट अभी ड्राई वॉशिंग करने के लिए मुसलपुर जा रहा हूं, और मुसलपुर में मेरा थोड़ा बहुत काम भी है, गाड़ी भी एक बार वॉशिंग करूंगा। हल्कन हो रहा है अभी कोल्ड स्टार्ट, और इधर मिकी को देख सकते हो पूरा गाड़ी में आ चुका है मिकी। ए मिकी, और इधर तुलसी पत्ता अभी मेरा नेफ्यू की तरफ से मिल चुका है, और गाड़ी अभी थोड़ा कोल्ड स्टार्ट हो रहा है। इस कोल्ड स्टार्ट होने के बाद सीधा यहाँ से निकल जाऊंगा, थोड़ा बहुत काम है। जैसे कि आप लोग देखा, राइडिंग जैकेट भी बैग में ले लिया, उसको भी ड्राई क्लीन करना है। और गाड़ी देख सकते हो, कल प्रीवियस ब्लॉग में देखा था ना आप लोग, मैं भूटान चुके गया था और गाड़ी का हालत ऐसा हो गया था, देखो ये देखो धूल देखो ऐसा हो गया मतलब हर जगह। तो गाड़ी भी एक बार वॉशिंग करूंगा। 53 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मिकी डर गया। और इन दोनों को देखो, जेरी और पुछी को उधर से देख रहे हैं, उन्होंने बांध के रखा हूँ। फेल्कन का जो आवाज है ना भाई, इतना प्यारी है माँ कसम भाई, जबरदस्त एकदम। फेल्कन को ना अभी भगाने का मन नहीं करता है, बिकॉज ये सर्विसिंग नहीं हुआ है ना, अभी 10,000 होने वाला ही है, 8,500 हो गया। 10,000 में मुझे सर्विसिंग करना था, लेकिन उससे थोड़ा जल्दी कर दूंगा, समझ गया ना। अभी 8,500 2 किलोमीटर हो रहा है, सो करीबन 9,000 तक मैं सर्विसिंग कर दूंगा, गुवाहाटी में करूंगा, नहीं तो टीहू में करूंगा। और गाइस, मेरा घर जो है ना पूरा हिल्स के नज़दीक है, तो हमारे इधर ना ठंडा बहुत दबा के भाई चल रहा है, देख सकते हो। मैं एनी टाइम जैकेट लगा के घूमता रहता हूँ। तो इधर अगर बिना जैकेट लगा के आप राइडिंग करोगे ना, फट जाएगा भाई। 30 डेज का चैलेंज तो ले ही लिया, वो एक खुशखबरी है मेरे लिए। हालांकि अभी व्यूज बहुत ही डाउन हो चुका है, बात व्यूज का चक्कर में अभी मैं नहीं हूँ, मतलब व्यूज आएगा तो जितना भी आएगा, जो भी देखने का मन करेगा वो लोग तो देखेगा ही भाई। तो रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा टाइम अप डाउन हो रहा है, कभी 6 को डाल देता हूँ, कभी 9 को, कभी 8 को। रोज वीडियो शूट करके सेम टाइम में एडिट करके अपलोड करना मतलब मजाक नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जींस नीचे से फट चुका है, क्योंकि नीचे से हवा आ रहा है भाई। रुको देखता हूँ एक बार। हाँ भाई, थोड़ा सा फट गया है मेरा जींस यार, मजा आ गया भाई। जींस फट गया, मुझे अभी पता चल रहा है, मसलपुर पहुंचने वाला हूँ अभी। अरे यार, क्या क्या होता रहता है मेरे साथ भी। ये जो ग्लास है ना गाइस, ये ग्लास दोनों आज खोल दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ग्लास से ना अच्छी तरह से पीछे दिखाई भी नहीं देता है। तो देखते हैं एक बार खोल के कैसा व्यू आएगा, अगर अच्छा व्यू आएगा तो ऐसे ही रखूंगा, नहीं तो और फिर लगा दूंगा ग्लास। अरे जाना भाई, क्या कर रहा है। तो इधर ड्राई क्लीनिंग का कोई दुकान है कि नहीं, नो आइडिया। मेरा एक दोस्त बोला था कि इधर ही है ड्राई क्लीनिंग का दुकान, बट मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। सो इधर है गाइस रैपिंग का दुकान है इधर थोड़ा। सो इधर गाइस एक रैपिंग का दुकान है हमारा इधर मशालपुर में। ए मैं माने एटा येलो जी स्टेन एटा है पाए ना पेपर लाइट आउट मारा गाने हेतु मारा से नेकी। ओ सो गाइस एज यू कैन सी, ऐसा कुछ एक पेपर था इधर, मैं सोच रहा था कि ऐसा लाइट में लगाऊंगा एक पेपर, समझ गया ना। लेकिन ये पूरा रेड हो गया, इसको मज़ा नहीं आएगा। फिर एक येलो स्टेन पेपर रहता है ना, वो लगाने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो भी अभी नहीं होगा शायद।
सो गाड़ी में जो गाइस आप लोगों को बताया था ना, ये वाला लोगो मैं ब्लैक में मारा था ना, तो अभी इसको व्हाइट में लगाऊंगा क्योंकि ब्लैक में दूर से ये पहचान में ही नहीं आता है। उसके बाद इधर एक येलो स्टेन लगाना था लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है इधर, तो वो बाद में लगा लूंगा मैं। हमारा भाई बना रहा है इधर मेरा व्हाइट कलर का जो लोगो है ना, इधर देख सकते हो पूरा लोगो कटिंग हो रहा है और मशीन का जो आवाज़ है ना अल्टीमेट लेवल का आता है, देख सकते हो पूरा फ्यूचरिस्टिक। तो इधर दो लोगो अभी हमारा टायर हो रहा है, पुराना जो भी लोगो था ना गाइस वो अभी ऐसे हिट गन से उठाना पड़ेगा। भाई पूरा पुराना वाला जो लोगो था वो पूरा निकल रहा है यहाँ से, तो अभी न्यू वाला जो व्हाइट कलर का है वो अभी लगा दूंगा। और अभी इधर हमारा भाई लोग पूरा क्वेश्चन वगैरह कर रहा है इधर कितना क्या है कैसा है। लोगो हो चुका है इधर पूरा रेडी। ऐसा अभी व्हाइट में लग रहा है ना तो पूरा क्लियरली दिख रहा है, देख सकते हो। सो अभी व्हाइट में देख सकते हो पूरा दूर से मतलब पहचान में आ रहा है, जो ब्लैक में था ना वो मतलब पूरा फीका था। ये दोनों पूरा मैचिंग हो गया कलर, टोर्नाडो और इधर डब्लू लाइफस्टाइल का। पूरा कम्प्लीटली हो चुका है अभी डब्ल्यू लाइफ स्टाइल व्हाइट कलर में, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, दोनों तरफ देख सकते हो यार पूरा चमक रहा है। और ये कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना। इधर आया था मौसलपुर आया था मैं जैकेट ड्राई क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन इधर एक दुकान है लेकिन वो दुकान आज बंद है, तो मैं सोचा थोड़ा ग्राफिक्स का जो वो काम था मेरा वही चेंज कर लूँ, तो ग्राफिक्स का जो भी काम है ना वो चेंज कर लिया मैंने। अभी कोई टेंशन नहीं, अभी अगर आप लोग दूर से भी देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ कि ये बंदा का यूट्यूब चैनल है डब्ल्यू लाइफ स्टाइल, मार देता हूँ सब्सक्राइब। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो मार देना अगर आप लोग देखते हो तो। कौशिक भाई के दुकान पहुंच चुका है और ये जो ग्लास है ना मेरा ये अभी मतलब खोल के रखूंगा, ठीक है, उसके बाद व्यू कैसा आएगा एक बार सामने से वो देखना पड़ेगा। और ऐसे भी ये ग्लास से ना पीछे का व्यू इतना आता नहीं है अच्छी तरह से, सो अगर छोटा वाला कुछ ग्लास अगर इधर लगा सकता हो तो एक बार देखेंगे। सो फाइनली ग्लास का जो कार्यक्रम है ना गाइस अभी पूरा खोल दूंगा ग्लास, ग्लास खुले दिले अला व्यू लुक अला भाल लाइव ए भाल देखा ना पा पिछर पर आएको माल किंतु डेंजर माल मानसन मारी मारबो वाला वो कौन है ये लोग कहां से आते हैं। दोनों ग्लास अभी खोल दिया इधर देख सकते हो ऐसा हो चुका है हालत, तो अभी ये बैग में डाल के रख दूंगा अंदर। तो अभी गाड़ी का लुक सामने से देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है और दोनों ग्लास पूरा अभी खोल दिया देख सकते हो। तो अभी गाड़ी ना गाइस थोड़ा वॉशिंग मारूंगा इधर, तो अभी पानी थोड़ा मार लेता हूँ यार, बहुत ज्यादा ही गंदा हो चुका है इधर गाड़ी। तो फाइनली गाइस अभी इधर फेल्कन देख सकते हो पूरा वॉशिंग हो रहा है, बहुत ही गंदा हो गया था कल भूटान चुके गया था ना। और इधर जो गाइस ग्राफिक्स है ना दुकान में देख सकते हो ये है एक स्पाइडरमैन का, वॉशिंग वगैरह हो गया और ग्लास दोनों देख सकते हो यहाँ से खोल कर रख दिया, समझ गया ना अभी अच्छा लग रहा है। तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। सो फाइनली गाइस अभी दुकान से निकल चुका हूँ और अभी ग्लास नहीं है ना तो लुक कैसा आ रहा है बताना आप लोग, ठीक है, ग्लास खोल के लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा है कुछ। अभी ना गाड़ी का जो लुक है ना यहाँ से डैशबोर्ड का वो अलग ही आ रहा है भाई, सो ग्लास वगैरह खोलने का ना फायदा तो कुछ हुआ, लुक में तो अच्छा हुआ लेकिन ग्लास अभी लॉन्ग राइड में जाऊंगा तो ग्लास लगा लेना पड़ेगा, समझ गया ना। फाइनली अभी घर पहुंच चुका हूँ लेकिन अभी घर में नहीं जाऊंगा, अभी सीधा जा रहा हूँ निकासी, इधर है अपन का घर, तो निकासी में अभी जाके बोंजू भाई के पास जा रहा हूँ, थोड़ा फोटोशूट करने का बात था हमारा, ठीक है, तो अभी बोंजू भाई को पूछ के आता हूँ फोटोशूट करेगा कि नहीं। और अभी इवनिंग का करीबन टाइम हो चुका है, 3 बजने वाला है ऑलमोस्ट, तो अभी सीधा बोंजू भाई के घर जा रहा हूँ, घर जाके मजा से थोड़ा फोटोशूट करूंगा, उसके बाद वीडियो एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है, समझ गया ना, डेली का ब्लॉग डेली डालना है गाइस, मजाक थोड़ी है।
सो गाइस फाइनली अभी बोंजू भाई के घर पहुंच चुका हूँ, लेकिन बोंजू भाई अभी इधर नाटक कर रहा है। जब ना फोटो खींचने नहीं जा रहा है, बोंजू भाई पूरा अभी क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए जाएगा, सो मैं ही अकेला खींचूंगा अभी फोटो। बोंजू भाई इधर फोटो वगैरह कुछ भी नहीं खींच रहा है, तो कैमरा लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत फोटो खींचूंगा। इंस्टाग्राम में देने के लिए फोटो है ही नहीं, तो अभी एक दो फोटो खींचूंगा, इंस्टाग्राम में आ जाएगा। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, ठीक है। घर जाके थोड़ा फोटो वोटो खींचूंगा भाई के भाई और मैं, सो अभी निकलते घर सीधा। देखो भाई कुत्ता अभी काटने वाला था भाई, मजा आ गया क्या? और आज का छोटा मोटा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आज मौसम जो है ना, आज सन निकला ही नहीं, ऐसा ही था मौसम आज दोपहर पूरा दिन तक। तो गाइस जस्ट नाउ अभी घर पहुंच चुका हूँ, और इसको जैसे लेके गया था ऐसे ही अभी इधर रख रहा हूँ। मतलब आज दुकान बंद था, ड्राई क्लीनिंग नहीं हुआ, तो कल परसों जाके और ड्राई क्लीनिंग कर लूंगा।